अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप देख रहे हैं हैमर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर। तो चलते हैं इसके सबसे पहले स्टेप की तरफ। तो पहले स्टेप में हमने ले लिया है चिकन, इसकी ब्रेस्ट वाली साइड हमने ली है और इसे हम ज़रा हैमर से अच्छी तरह से इसकी करेंगे पिटाई। इसे भी कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने लिया है हाफ कप दही। आप दही की जगह हाफ कप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप दूध ले रहे हैं तो दूध में आप लेमन जूस या सिरका मिलाकर उसे 15 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसे यूज़ कीजिए। तो यहाँ मैंने दही लिया है हाफ कप, बहुत पतला वाला। और अब इसमें हम मिला रहे हैं लेमन जूस। 2 लेमन थे मेरे पास बड़े साइज के, वो ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ये ऑप्शन है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं पसंद तो मत डालिए। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर। यहाँ मैंने पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून ओरिगेनो। सब को हमने मिला देना है बहुत अच्छे से। और अब इसमें ऐड करते हैं चिकन। जी तो मैं मिक्स करूंगी इसे अपने हाथों से अच्छे से। इस बैटर को चिकन पे लगा देते हैं ताकि हर चिकन पे अच्छे से इसका बैटर लग जाए। और मैं इसे रख रही हूँ कवर करके पूरी रात के लिए। तो कल मिलते हैं। तो जिंगर बनाने से पहले हम बना लेते हैं उसकी सॉस। तो यहाँ 1/2 कप मेयोनीज लिया है मैंने। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च। अच्छा, इसके साथ मैं डाल रही हूँ बेबी कुकम्बर। बेबी कुकम्बर पिकल हमें आराम से मार्केट में मिल जाता है, मैंने सिंपल ये लिए और इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ 4 पीस मैंने लिए हैं और इन्हें हम डाल देते हैं इसमें। अगर आपको पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत उम्दा हो जाता है। तो इन्हें कर लेते हैं मिक्स। तो एक बहुत ही टेस्टी सा सॉस हमारे पास ये रेडी हो गया है। अब चलते हैं अगले सॉस की तरफ। तो यहाँ पे भी 1/2 कप मेयोनीज है और इसमें 2 पिंच हम नमक डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून गार्लिक सॉस। अगर गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। सबको भी हमने करना है मिक्स। तो हो गई इसकी दोनों सॉस रेडी। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी फ्रेंड, तो चिकन हमारा सेट हो चुका है। अब हमने ले लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च। तो इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छा, इसके साथ हमने ले लिए यहाँ पे 2 अंडे, 2 टेबलस्पून मिल्क दूध। और अब करना कुछ यूं है, चिकन का एक स्लाइस निकालेंगे और इसे डालेंगे मैदे में। हम इसे प्रेस नहीं कर रहे, ऐसे निकाल के इसे झाड़ लेंगे अच्छे से ताकि एक्स्ट्रा जितना भी मैदा है वो सब उतर जाए। और अब इसे हम डिप करेंगे अंडे में दोनों साइड से और इसे निकालेंगे और फिर मैदे में इसे फिर से मैदा लगा देंगे।
इसे ऐसे झाड़ देंगे। तो ये ऐसे रेडी हो जाएगा। फिर से ऐसे चिकन का स्लाइस लेंगे और फिर इसे मैदा लगा देंगे दोनों साइड पे अच्छे से। अच्छा खुला बर्तन लेंगे तो आराम से हो जाएगा। मैंने डिश थोड़ी छोटी ले ली है, थोड़ी बड़ी लेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। और फिर अंडे में और फिर मैदे में, तो ऐसे हमने सारा चिकन रेडी कर लिया है। अब करते हैं इसे डीप फ्राई। इसका टेम्परेचर जो है ऑयल का चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने नहीं डालना है और ठंडे में भी नहीं डालना है। मैं दो दो डाल रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा पैन को नहीं भरेंगे। ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो अब ये दूसरे वाले भी डाल दिए हैं, ये भी दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। जी तो चिकन हो गया फ्राई, बन को हमने कटिंग कर लिया है और अब हमें ये सॉस लगाना है। आप चाहें तो इन्हें गर्म भी कर सकते हैं। अच्छे से गोल्डन कर लें अपने बन को और फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें गर्म नहीं किया। तो इन पे लगाते हैं ये वाली सॉस, जितना आपको पसंद है। और सॉस लगाने के बाद अब आप इस पे लेटस रख सकते हैं, कि मुझे बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए, आप सिंपल चिकन रखिए और सर्व कर दीजिए। और अब रखेंगे चिकन, चिकन रख दिया है और अब दूसरी साइड पे हम लगाएंगे दूसरी वाली सॉस, ताकि दोनों सॉस का टेस्ट हमें आ जाए। दूसरे पे भी ऐसे तो मज़ेदार से हमारे जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी हैं और मज़ेदार सी सॉस के साथ। तो इसके साथ ही चाहती हूँ आपसे इजाज़त, कुछ सुनाते हुए। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। इसके साथ ही साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।